जींद में उपचुनाव की घोषणा होते ही सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। सभी राजनीतिक दल इस चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने की बात करते हुए अपनी अपनी जीत का दम भर रहे हैं। वहीं सिरसा पहुंचे लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के अध्यक्ष एवं कुरुक्षेत्र से सांसद राजकुमार सैनी ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी भी अपना प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारेगी। साथ ही उन्होंने लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की जीत का दावा भी किया। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ने कमर कस ली है और 2019 से पहले जो इस बाई इलेक्शन के अंदर हम अपनी जीत उपस्थित करके जनता को एहसास कराएंगे कि वे हम यहाँ खड़े हैं। राजकुमार सैनी ने आज ही अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा करने की बात कही है। ये साथ ना मैं आगे जा रहा हूँ और मैं अकेले ही चुनाव लड़ूंगा, उम्मीदवार आज ही करूँगा। बता दें राजकुमार सैनी सिरसा के गांव रंगड़ी खेड़ा में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। कार्यक्रम के बाद राजकुमार सैनी मीडिया से मुखातिब हुए और जींद चुनाव को लेकर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया और चुनाव में पार्टी की जीत का दम भरते नजर आए। प्रथम तहलका के लिए सिरसा से सुरेंद्र सैनी की रिपोर्ट।